अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो मैं अपनी न्यू वीडियो लेकर आ गई हूँ जो कि हाइलाइट्स की वीडियो है। तो मैंने ये ओलिविया ब्लीच ले लिया, आप कोई और भी ब्लीच ले सकते हैं। और ये एल्युमिनियम फॉयल है जो कि मैंने कट कर ली, और ये अब मैं बालों को काट कर फिर उसको जो पतली पतली लेयर्स हैं मैं उनको डिवाइड कर रही हूँ। और आप अपने हिसाब से मोटी या पतली लेयर ले सकते हैं, मुझे ऐसी ही चाहिए तो मैं ये ऐसे ही निकाल रही हूँ। और इसके बाद मैंने सेम ऐसे ही मैं दूसरी साइड से भी ले लूँगी, और फिर पीछे की तरफ से भी मैं ऐसे बाल निकाल रही हूँ, देख सकते हैं आप लोग। तो ये मैंने सारे बालों को ऐसे ही निकाल कर फिर मैंने और बाकी के बालों को बांध दिया है। फिर ये मैंने ब्लीच ली है जो कि एक चम्मच के करीब ब्लीच है। आप ज़्यादा बालों पर करें तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें पाउडर ले लूँगी जो कि आधा चम्मच के करीब पाउडर है। आप पाउडर की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं अगर आपको ज़्यादा डार्क कलर चाहिए, पर आप ज़्यादा ना बढ़ाएं, कम ही बढ़ाएं। ये आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। उसके बाद मैं अपने बालों को काटने के बाद फिर मैं इस पर ब्लीच लगा रही हूँ, जो कि मुझे जड़ों में नहीं लगानी है, ऊपर ही ऊपर लगानी है। अगर आप नीचे लगा दोगे जड़ों पर तो उससे बाल डैमेज भी हो सकते हैं, इसलिए आप बस ऊपर ही ऊपर लगाएं। कोई भी ब्लीच वगैरह जड़ों से यूज़ नहीं की जाती है। तो ये मैंने इनको कॉम कर लिया है बालों को ताकि वो अंदर तक चली जाए जो कि ब्लीच लगाई है हमने। अभी मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं बालों को, और फिर मैं फॉइल पेपर रखूँगी नीचे, फिर मैं इसको जो है कवर कर दूँगी अच्छी तरीके से। आप फॉइल पेपर का ही यूज़ करें क्योंकि इससे हीट बढ़ जाती है और ब्लीच का बहुत अच्छा कलर आता है। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने इसको अच्छे तरीके से बंद कर दिया है। अब मैं 10 से 5 मिनट इसको रखूँगी, उसके बाद में ये देख सकते हैं आप मेरा अच्छा सा कलर आ चुका है। और अगर आपको ज़्यादा डार्क कलर चाहिए तो आप और ज़्यादा टाइमिंग भी रख सकते हैं, आप इसको चेक करते रहिएगा। ये देख सकते हैं आप कितनी सुंदर सी मेरी हाइलाइट्स जो है हो गई हैं ब्लीच से ही और घर पर। तो आप ऐसे ज़रूर करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।